नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ग्रामीण डाक सेवक बहाली के बारे में। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार ग्रामीण डाक सेवक की जो बहाली आई हुई थी उसको जो यहाँ पे फिर से रीओपन कर दिया गया है। उसका आवेदन का जो लास्ट डेट था वो यहाँ पे खत्म हो चुका था, लेकिन फिर से यहाँ पे जो आवेदन शुरू कर दिया गया है वैसे छात्रों के लिए जो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाए थे वो आवेदन अब जो यहाँ पे आकर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे छात्र मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसमें जो है 90% से ज़्यादा जिसका अंक होता है उसी का सिलेक्शन होता है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आज के इस ब्लॉग में जानकारी देने वाले हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कितना परसेंट आप लोगों का नंबर रहेगा तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, और किस प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन होगा वो भी हम आपको यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, मुझे बहुत सारे छात्र यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें जो है 90% से ज़्यादा अगर हमें अंक होता है तभी हमारा जो है मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। और इसी के कारण जो है बहुत सारे छात्र जो यहाँ पे आवेदन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल वालों को जो है 100 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना होता है, तो इसलिए जो है बहुत सारे छात्र यहाँ पे आवेदन नहीं कर रहे थे कि हमारा 90% से कम नंबर है तो हमारा जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम आएगा ही नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो है थोड़ा सा अलग सा है, इसीलिए जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो समझ में नहीं आता है। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है और किस तरीके से आप लोगों का जो है मेरिट बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप जो है GDS में यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों का ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 90% आप लोगों का नंबर होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हम जो CBSE से हैं और हमारा जो संस्कृत यहाँ पे लिए हुए हैं तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे हिंदी अगर आपका रहेगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर संस्कृत लिए हुए हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं अगर आप CBSE से हैं तो। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपका जो यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम था, यानी कि ग्रेड वाइज आप लोगों का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है मार्कशीट में, तो भी आप जो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि जो ग्रेड वाइज यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है उसका जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो यहाँ पे नहीं होगा, उन छात्रों को जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और उनका जो यहाँ पे सिलेक्शन में नाम नहीं जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सिलेक्शन होता किस प्रकार से। तो यहाँ पे जो आप लोग का सिलेक्शन होता है दोस्तों, उसका जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। यहाँ पे आप लोग का जो सिलेक्शन होता है, अब मान लीजिए दोस्तों कि आप लोगों ने जो यहाँ पे आवेदन किया है, किसी एक सर्कल में आप लोगों ने आवेदन किया है और वहाँ पे जो है बहुत सारे छात्र यहाँ पे आवेदन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि जमुई डिस्ट्रिक्ट का ही यहाँ पे ले लेता हूँ। जमुई डिस्ट्रिक्ट में जमुई ब्लॉक में यहाँ पे जो है आप लोगों का आया हुआ है, या फिर जो है जमुई ब्लॉक के किसी एक पंचायत में जो यहाँ पे बहाली आया हुआ है। अब उस पंचायत में अगर आप आवेदन करते हैं और आपके साथ जो है बहुत सारे छात्र आवेदन वहाँ पे करेंगे, लेकिन उसमें जो है सबसे ज़्यादा जिसका नंबर रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो है 90% वहाँ पे देखा जाएगा। वहाँ पे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आवेदन किया, आपका जो है 60% है, किसी का यहाँ पर जो है 70% है, किसी का 80 है, किसी का 90 है, तो जिसका 90 रहेगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, बाकी जितने भी रहेंगे उनको जो यहाँ पर छाँट दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर किसी का जो है 60 और 70 ही रहता है, यानी कि हाईएस्ट जो है वहाँ पे 70% ही रहेगा, तो 70% वाले जो छात्र हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे CBSE वाले का जो है सबसे मेन होता है कि जो CBSE से हैं उनका जो है 90-95% रह जाता है, तो ऐसे में जो है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उनका ही होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार जो CBSE वाले हैं वो बहुत ही कम लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला मैं कारण आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे CBSE वाले जो हैं वो संस्कृत लिए हुए हैं, तो संस्कृत वाले अगर आवेदन कर देते हैं हिंदी भर के तो भी उनका जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। साथ में यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका ग्रेड है, यानी कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड करके यहाँ पे जो ग्रेडिंग दिया हुआ है वहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है। मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साफ साफ सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे बताया गया, आप एक बार जाकर नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा कि अगर आप लोगों का ग्रेडिंग के साथ वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ रहता है तभी आप लोग जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेड रहता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरीके से आप लोगों का रहता है तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप लोगों का जो यहाँ पे आवेदन है उसको मेरिट में यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे इस बार जो है हो सकता है कि बहुत ही कम CBSE वाले छात्र जो है आवेदन कर पाएं, तो यहाँ पे इस बार चांस बनता है दोस्तों कि आप लोगों का जो यहाँ पे परसेंटेज है वो कम रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जो परसेंट होता है वो निर्भर करता है कि कितने परसेंट तक छात्र यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं उस सर्कल के लिए, यानी कि जहाँ आप आवेदन किए हैं, जैसे 5 जगह पे आपने चयन किया है
पांचों जगहों पे अगर आपका नंबर सबसे ज्यादा रहेगा, यानी कि किसी का 50% है, 40% है और आपका 60% है, तो 60% ही वहां पे जो मेरिट रहेगा, यानी कि 60% वालों का ही यहां पे सिलेक्शन किया जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन होगा। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि 90% आपका है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होता है। आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप जो कहीं भी आवेदन किए हैं, अगर आपसे ज्यादा नंबर वाले आवेदन करते हैं तो उनका वहां पे सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप आवेदन किए हैं और आपका नंबर भी ठीक ठाक है, 50-60% आप लोगों का नंबर है और आप लोगों से ज्यादा नंबर वाले लोग यहां पे आवेदन नहीं करते हैं, तो आपका सिलेक्शन वहां पे होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आप लोगों का होता है और इसी तरीके से आप लोगों का जो सिलेक्शन GDS में किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।